Okay, so we have started with the electrostatics, and the meaning of electrostatics was electro means charge, especially electron, and static means at rest. Static means at rest. So charge at rest, this study is called electrostatics. Correct. फिर हमने कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज देखा था कि वो कंजर्व्ड होता है, ओनली ट्रांसफर हो सकता है, वो क्वांटाइज्ड होता है, इंटीजर फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था और क्या देखा था बता दे जाओ फटाफट. चार्ज के मीडियम के बारे में देखा था, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह पे इंडिपेंडेंट होता है. और क्या देखा था, फिर हमने कूलम्स लॉ की शुरुआत की थी कि दो चार्जेस के बीच में या तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगी या तो फिर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी. और कूलम ने बताया था दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यस सर नो. फॉर्मूला बना था एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. क्या बना था भाई, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. Q1, Q2 मैग्नीट्यूड थे चार्जेस के, R उनके बीच का सेपरेशन था, राइट. और K क्या था, K एक कांस्टेंट वैल्यू थी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम. फ्री स्पेस के लिए वो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, जिसको हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट का नाम पड़ा था, क्या नाम पड़ा था बोलो भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी में आपको समझा चुका था कि हर मीडियम जो है वो अपने अपने कंडीशन के अनुसार अलग अलग परमिटिविटी प्रोवाइड करता है. किसी मीडियम में परमिशन ज्यादा होती है चार्ज को फोर्स लगाने की और किसी मीडियम में कम होती है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी. करेक्ट. जिसका वैल्यू फिक्स होता है फॉर फ्री स्पेस, हाउ मच, टेल मी द वैल्यू, 8.85 10 की पावर, वेरी गुड क्षितिजा, 8.85 10 की पावर -12, 8.85 10 की पावर -12, करेक्ट बोला है भाई, ठीक है. और क्या देखा था तुमने, रिलेटिव परमिटिविटी, वेरी गुड. रिलेटिव जब हम रेशियो लेते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, दैट टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. फिर से बोलो, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, करेक्ट. और इसी चीज को लेकर हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि एफ मीडियम, फोर्स इन मीडियम होता है एफ एयर डिवाइडेड बाय के. एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर डिवाइड बाय के या के डी, जहां पे के डी को नाम दिया था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वेरी गुड, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हम डिटेल में देखने वाले हैं व्हेन वी स्टार्ट विद द कैपेसिटर. फिलहाल के सिर्फ इतना याद रखो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मीडियम की कोएफिशिएंट होती है, एक मीडियम का कोएफिशिएंट होता है जो हमें बताता है कि फोर्स कितने अमाउंट से रिड्यूस होने वाला है या में इंक्रीज होने वाला है. क्लियर है यहां तक? चलो फिर आगे बढ़ेंगे आज हम, और इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं पहले. एप्लीकेशन तो एक तो सिंपल एप्लीकेशन ये होता है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है. एक क्वेश्चन व्हेन यू विल सी इन द पब्लिकेशन, एक प्रोटॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों को 1 एमस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे रखा, बताओ दोनों का फोर्स क्या होगा. कुछ भी नहीं है इसमें. इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम होता है, के का वैल्यू रखो, डिस्टेंस का वैल्यू एमस्ट्रॉन्ग से मीटर में कन्वर्ट कर लो, काम खत्म. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने खुद कर लेना. मैं थोड़ा अच्छा सवाल लेता हूं, तो क्वेश्चन देखो क्या है. क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज प्लेस एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर. क्या बोला है भाई, फाइंड नेट फोर्स. नेट मतलब टोटल फोर्स पता करनी है किसी भी चार्ज पर, किसी भी एक चार्ज पे जो कहा रखे गए हैं, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए. तो हमें स्क्वायर के कॉर्नर, स्क्वायर को कितने कॉर्नर होते भाई,
सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसके कॉर्नर पे चार्जेस रख देते हैं, तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, चार चार्जेस हमने रख दिया, वी हैव पुट अ फोर चार्जेस हियर, ठीक है। चाहे तो आप इनको नामकरण भी कर सकते हो इनका, वन टू थ्री फोर, और स्क्वायर है तो सबका साइड सेम रहेगा, सो लेट अस अज्यूम मैंने स्क्वायर का साइड एल ले लिया है, कुछ भी ले सकते हो डजंट मैटर, एल ले लिया साइड, बट इट। अब मेरे सवाल का ध्यान से जवाब देना, क्या सभी चार्जेस पर सेम फोर्स लग रहा है, क्या सभी चार्जेस पर नेट फोर्स सेम है? रिप्लाई, क्या सभी चार्जेस पर सेम फोर्स लग रहा है? आई रिपीट माई सेंटेंस, क्या सभी चार्जेस पर सेम फोर्स लग रहा है? देखते हैं, समझते हैं पहले, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं, आंसर तो एक ही रहने वाला है, ध्यान से सुनो। मैंने नामांकरण कर दिया है, यस वेरी गुड संदेश, करेक्ट है संदेश। फर्स्ट नंबर के चार्जेस पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, नंबर वन चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है? आप बोलो कि सर टू लगा सकता है, थ्री लगा सकता है, फोर लगा सकता है, बोल हाँ या ना। टोटल मिलाकर तीन फोर्स लग रही है, यस निरंत, टू थ्री फोर, जिसमें से टू और फोर का डिस्टेंस भी सेम है। देखो टू और फोर का डिस्टेंस भी सेम है, जितना डिस्टेंस पे टू है सेकेंड चार्ज है वन से, उतने ही डिस्टेंस पे फोर्थ चार्ज है। आर यू गेटिंग दिस? आराम से देखो, वेरी गुड, चलो इसका काम सोच लिया हमने। सेकेंड वाले चार्ज पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है, तो सेकेंड पे लगा सकता है वन थ्री फोर, वन थ्री फोर, मतलब फिर से तीन फोर्स लग रही है, वेरी गुड। वन का और थ्री का डिस्टेंस सेम है, देखो वन का और थ्री का डिस्टेंस सेम है, वन भी एल दूरी पर है और थ्री भी एल दूरी पर है, मतलब ये सेम सेम फोर्स लगाएगी, एग्री। और फोर का फोर्स थोड़ा कम रहेगा क्योंकि आपको पता है ये डायगोनल है। बोलो भाई डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, वेरी गुड, रूट टू टाइम्स साइड, रूट टू टाइम्स साइड, रूट एल, करेक्ट। तो इसमें भी तीन फोर्स लग रहे हैं। बात करते हैं थर्ड चार्ज की, थर्ड चार्ज की, तो थर्ड पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है बोलो? तो थर्ड पे सर सेकेंड वाला भी लगा रहा है, फर्स्ट वाला भी लगा रहा है, फोर्थ भी लगा रहा है, टू वन फोर। फिर से सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ चार्ज का जो डिस्टेंस है वो सेम है थर्ड चार्ज से, ठीक है, और फर्स्ट चार्ज का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन से ये बात पता चली, ये तीनों चार्जेस पर एक समान नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है एक समान, हर चार्जेस पर तीन तीन फोर्स लग रहे हैं। अरे इसीलिए तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड नेट फोर्स एनी ऑफ द चार्ज, क्वेश्चन बनाने वाले को पता है सब पर सेम फोर्स लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मैंने ये जो पांच मिनट ज्यादा दिए इसको, ये नहीं भी बोल के मैं शुरुआत कर सकता था, बट आपको रियलाइज होना चाहिए कि यस इंडिविजुअल फोर्स अलग अलग हो सकता है। देखो इस पे टू पे वन का और फोर का फोर्स अलग हो सकता है, लेकिन जब तीनों का समेशन करेंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, तो वो सेम आने वाला है, ठीक है। चलो फिर अब हम किसी पर भी निकाल लेंगे, तो मेरे पास इधर जगह ज्यादा है, तो मैं थर्ड वाले चार्ज पे कोशिश करता हूँ। तो बोलो भैया थर्ड पे कौन कौन लगा रहा है? तो थर्ड पे सेकंड वाला लगा रहा है, दिख रहा है ना सेकंड, तो सेकंड वाला चार्ज तीसरे वाले चार्ज पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव के रिपल्सिव? कमेंट, विल इट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी होने के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो टू थ्री को ढकेलेगा ऐसे नीचे की ओर, तो यू विल फाइंड कि जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यस और नो? एफ टू दिखाई दे रहा है भाई, एफ टू। सिमिलरली जो फोर्थ वाला चार्ज है वो थर्ड वाले चार्ज को रिपल करेगा, तो कैसे रिपेल करेगा? सी दिस, ये इसको रिपेल करेगा, कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है।
क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, फोर्स ध्यान देना होता है। एफ थ्री बोल, हाँ या ना? एफ टू, एफ थ्री, आर यू गेटिंग दिस? एफ टू, एफ थ्री, क्या एफ टू और एफ थ्री का मैग्नीट्यूड सेम है? यस, क्योंकि ये वाला वैल्यू के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर और ये वाला क्यू वन क्यू टू डिस्टेंस स्क्वायर सेम है। तो आई कैन राइट एफ टू का वैल्यू भी एफ ले लेंगे और एफ थ्री का वैल्यू भी हम एफ ले लेंगे। एफ कोई एक वैल्यू होगी, वी डोंट नो फिलहाल। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आप बताओ ये दोनों का जो कि 90 डिग्री पर है रिजल्टेंट किधर आएगा? ये दो फोर्स जो कि 90 डिग्री पर है रिजल्टेंट किधर आएगा? तो आप जानते हो शॉर्ट ट्रिक, ये व्हेन टू वेक्टर एट 90 डिग्री एंड देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, तो उनका जो रिजल्टेंट है, वेरी गुड खदीजा, 45 डिग्री पे आएगा। किसी के मन में शंका, मैं ड्रॉ कर लेता हूं कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रूट टू एफ रहेगा। बोलो भाई हाँ या ना? शॉर्ट ट्रिक, रूट टू एफ, वेरी गुड संदेश वेदांत, रूट टू एफ, रूट टू एफ, वेरी गुड। चलो दो को हमने खत्म कर दिया है, जो मैंने रेड पेन से ड्रॉ किए हैं एफ टू एफ थ्री, ये खत्म हो गए, इनका रिजल्टेंट आ गया है। एक बचा है, कौन? ये दिख रहा है। अब बताओ फर्स्ट वाला चार्ज तीसरे चार्ज को किधर पुश करेगा? ऐसे अलोंग दिस लाइन पुश करेगा ना, दिख रहा है आपको? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट? तो कैन आई राइट ये जो वैल्यू है ये एफ वन रहेगा? एफ वन, एफ वन बोले तो पहले वाले चार्ज का फोर्स, एफ वन, एफ वन। तो बोलो भैया कुल मिलाकर नेट फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे क्यू थ्री चार्ज पर? नेट फोर्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, एफ नेट इज इक्वल टू, देखो एक तो एफ वन है पहले वाले चार्ज की वजह से और एक रूट टू एफ है इन दोनों का रिजल्टेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर का क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। क्या यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? बोलो भैया इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है हमको, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या किया मैंने, सबसे पहले वो दो फोर्सेस देखा जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, पता चला वो 90 डिग्री पर थे तो उनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, रूट टू एफ आया है वो शॉर्ट ट्रिक, और जो बचा हुआ था उसका भी हमने डायरेक्शन निकाल लिया, एफ वन नाम दे दिया। अब मुझे सिर्फ इतना काम करना है, एफ का वैल्यू जानना है कि क्या होता है और एफ वन का वैल्यू जानना है, ठीक है? अब देखो एफ का वैल्यू क्या था, वेयर मैं यहां लिख देता हूं, एफ मतलब क्या था, इन दोनों के बीच का फोर्स, ये वाला, ये दिख रहा है के क्यू वन क्यू टू, क्यू तो दोनों सेम है तो आई कैन राइट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका इससे डिस्टेंस या फिर इसका इससे डिस्टेंस, कितना है भाई? एल है, एल आ जाएगा एल स्क्वायर। कोई शंका यहां तक? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सिमिलरली बात करेंगे एफ वन की, एफ वन क्या था, वन और थ्री के बीच का फोर्स, वन और थ्री के बीच का फोर्स। तो मुझे बताओ वन और थ्री का चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना था? अभी आपने बताया कि सर ये डिस्टेंस था रूट टू टाइम्स एल, वेरी गुड। तो डिस्टेंस का वैल्यू आएगा रूट टू टाइम्स एल। क्या यह स्टेप सबको समझ आई? दिस स्टेप वॉज इंपॉर्टेंट, रूट टू एल, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, टू एल स्क्वायर। दैट्स इट, दोनों वैल्यू को एफ नेट में पुट कर दो, एफ नेट हो जाएगा, बोलो एफ वन, एफ वन तो ये मैंने अभी निकाल के रखा है के क्यू स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर और रूट टू टाइम्स एफ, एफ का वैल्यू ऊपर लिखा है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। चाहे तो कॉमन चीजें निकाल सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा वन बाय टू प्लस रूट टू, वन बाय टू प्लस रूट टू। सो दिस इज माई नेट फोर्स अलॉन्ग साउथ ईस्ट डायरेक्शन,
साउथ इज डायरेक्शन. डायरेक्शन को यहाँ इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उनने एनी ऑफ द चार्ज बोला है. अगर आप कोई और चार्ज लोगे तो आंसर सेम आएगा बट डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी. रिप्लाई कर दो, समझ गया. ठीक है, बट इट मैं ऐसे और क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी. पोलैरिटी चेंज करके पहले ये बेसिक फॉर्मेट समझाए क्या? देखो, यस क्षितिजा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको. ठीक है, सो रादर देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को 15 मिनट समझाने के, फिर F1 इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस FN लिखने के, जो पब्लिकेशन में इतना बड़ा भाषण देता है, उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो अपना समय भी बचता है और ऐसे में हेक्टिक भी नहीं लगता है कि यार बहुत बड़ा है हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है. ठीक है, सो माय पॉइंट ऑफ व्यू, एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. किसी भी टॉपिक का एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पहले उसको समझ लो और उसको अप्लाई करके देखो, दैट्स इट. ज्यादा जरूरत से ज्यादा कंडीशन पढ़ोगे, जैसे आपको पब्लिकेशन में दिखेगा, एक पॉइंट ले लेगा, एक चार ले लेगा, उस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सॉन n फोर्सेस लगाएगा, फिर सबको लिखेगा, फिर सबको कॉमन निकालेगा, फिर समेशन वाला फॉर्मूला लगाएगा. ठीक है, आधे बच्चे वहीं डर जाते हैं. ठीक, सो रादर देन दिस, चलो फिर कर लिया नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेगी हम. ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, सीधे क्वेश्चन में मैं एक चेंज करता हूं. फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द की जगह, एनी ऑफ द की जगह फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ले लिया हमने और प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर. क्वेश्चन सेम, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि मान लो पहला वाला और थर्ड वाला मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और सेकेंड और फोर्थ को मैं निगेटिव ले लेता हूँ. ठीक है, सेकेंड और फोर्थ निगेटिव. आपको पता है निगेटिव होने से खाली डायरेक्शन पे इफेक्ट होगा, जिससे रिजल्टेंट थोड़ा चेंज हो सकता है. हाँ, सारे निगेटिव होते थे तो कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने दो को निगेटिव दो को पॉजिटिव लिया है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, देखते हैं. तो देख लो एक बार क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज. अब आप जानते हो ये प्लस क्यू लो या ये प्लस क्यू लो, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा. मैं ऑलरेडी 5 मिनट उस पर चर्चा कर चुका हूँ, राइट. तो बोलो भैया, फिर से मेरे पास जगह यहाँ ज्यादा है, सो क्यू पर थर्ड चार्ज पे कौन से दो अदर चार्जेस का फोर्स सेम है? थर्ड चार्ज पे कौन से दो अदर चार्जेस का फोर्स सेम है इन मैग्नीट्यूड? यू कैन टेल द नंबर, 1 2 4. वेरी गुड वेदांती, ओम, वेरी गुड निरंत, साहिल, समझ आया पीयूष? तो सबको ये बात समझ आ गई है कि सेकेंड और फोर्थ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इस बार डायरेक्शन कहाँ होगी, अवे होगी कि टुवर्ड्स होगी? अवे होगी या टुवर्ड्स होगी? आई मीन टू आस्क, फोर्स विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? फोर्स विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव? वेरी गुड, अट्रैक्टिव होगी. संदेश फिर से देखो, तुमने क्या बोला है एक बार चेक करो उसको. अट्रैक्टिव होगी क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है. देखो सेकेंड और थर्ड ऑपोजिट, तो सेकेंड वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर. तो बोलो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर जाना चाहिए ना, दिखाई दे रहा है? सो दिस इज माई एफ. अब मैं एफ नाम दे देता हूँ, मुझे ये बात पता चल गई, उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है. बोलो हाँ या ना? एफ.
इनका रिजल्टेंट किधर आएगा बोलो, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड में जाएगा कि अपवर्ड में जाएगा? तो यू कैन सी इनका जो रिजल्टेंट है प्यारे बच्चों, वो अपवर्ड जाएगा, जिसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज माई रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सभी जानते हैं रिजल्टेंट का वैल्यू होता है शॉर्ट ट्रिक रूट टू एफ, यस और नो? तो चलो हमने किनको खत्म कर दिया, हमने फोर्थ और सेकेंड चार्ज का जो फोर्थ था उसको हमने कंज्यूम कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, खत्म कर दिया है, रूट टू एफ आ गया है। कौन बचा, फर्स्ट चार्ज बचा है, टेल मी, फर्स्ट वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? फर्स्ट चार्ज विल अट्रैक्ट द थर्ड चार्ज और रिपेल द थर्ड चार्ज? वेरी गुड निरांत, यस, रिपेल करेगा। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर, जिसको हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। सो दिस आई कैन राइट F1। क्या ये बात सबको समझ आई? F1 क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, अब जो नेट फोर्स रहेगा थर्ड चार्ज पे, वो इन दोनों का एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा? वेरी गुड ओम, तो सभी को समझ आया, सब्सट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फोर्थ वेक्टर क्वांटिटी है, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन दे विल गेट सब्सट्रैक्टेड। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, बड़ा कौन है, F1 बड़ा है या रूट टू एफ बड़ा है? F1 माइनस रूट टू एफ लिखो या रूट टू एफ माइनस F1 लिखो? अब बोलो। यस वेदांती, करेक्ट जवाब है। F1 बड़ा है या रूट टू एफ बड़ा है? कूलम्स लॉ सोचो, बड़ा कौन होता है? जिनके डिस्टेंसेस कम होते हैं, और जिनका डिस्टेंस ज्यादा होता है उसका फोर्स वीक होता है। तो आपको पता है फर्स्ट वाला चार्ज ज्यादा डिस्टेंस पे था, रूट टू टाइम साइड डिस्टेंस पे था, तो फोर्स कम होगा उसका। आया लॉजिक समझ में? ठीक है, तो रूट टू एफ बड़ा होगा और F1 छोटा होगा। ठीक है, ये बात समझती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझती है तो इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आंसर में साइन का चेंज आएगा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? आई बात समझ में? तो रूट टू एफ माइनस F1। रूट टू एफ का वैल्यू हमने इससे पहले के क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है K Q1 Q2 upon distance L square minus F1 का वैल्यू 1 और 3 के बीच का फोर्स, बड़ा वाला डिस्टेंस, K Q1 Q2 divided by root 2 L का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? सेम आंसर आएगा, सिर्फ बीच का साइन डिफरेंट रहेगा। तो आई कैन टेक KQ² / L² कॉमन, यहां बचेगा रूट टू माइनस, इसका स्क्वायर कर देगी तो हो जाएगा 1/2। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज? डायरेक्शन बता सकते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ या उनके कॉम्बिनेशन? स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे डायरेक्शन बताओ। वेरी गुड, पार्थ ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी लोग हालांकि पूछा नहीं है बट अगर बता देते हो। आप किसका डायरेक्शन अज्यूम करते हो? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, यस और नो? यस और नो? यस, आर्य करेक्ट आंसर है। तो इन दोनों में कौन बड़ा दिखाई दिया आपको? रूट टू एफ। रूट टू एफ कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, राइट? और क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एग्जैक्टली शायद वो 45 डिग्री पर ही होगा, एग्जैक्टली 45। बट खैर अपना वो चर्चा का विषय नहीं है, मैं इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक एक चार्ज के बारे में नहीं बोला है। अगर आप फर्स्ट पे लेते थे तो हो सकता है डायरेक्शन डिफरेंट आता था,
Got it? So have you got the application? अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बोलेगा पता है? आपको हो सकता है Q1 Q2 का वैल्यू दे दे, 1 microcoulomb 1 microcoulomb चार चार्ज रख दिया और आपको डिस्टेंस का वैल्यू दे देगा कि भाई सारे डिस्टेंस का वैल्यू मान लो स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर ऐसे कुछ भी ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब मैं इससे एक और क्वेश्चन बनाता हूं वो आपको सॉल्व करना रहेगा। यू कैन सॉल्व इट। अब आपने इसमें से पब्लिकेशन में देख लेना ठीक है। मैंने ये जो सवाल लिए हैं ये मैंने अपने मर्जी से इनके पोलैरिटी दी है, आपने पब्लिकेशन में देखना, हो सकता है इसे थोड़ा सा और पोलैरिटी चेंज करे, हो सकता है ऐसा बोले कि 3 का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी सेम है, 1 का डिफरेंट हो। यू कैन सी, यू कैन सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, फिर से मैंने चार चार्जेस लिए हैं, उनको कहां रखा हूं, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ठीक है, और इनके अलावा मैं एक पांचवा चार्ज लेता हूं, आई विल टेक अ फिफ्थ चार्ज एंड आई विल पुट दिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और मैं इस पांचवे चार्ज को सेंटर पे रखता हूं। सेंटर आपको पता है ना, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल जिसे हम बोलते हैं। कैन यू टेल मी इस सेंटर वाले चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगेगा ड्यू टू ऑल पॉजिटिव चार्जेस, बाकी के चार्जेस सभी पॉजिटिव मानो, बाकी के सारे चार्जेस सभी पॉजिटिव मानो। राहुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स, संदेश ने भी करेक्ट दिया है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू अदर चार्जेस। दशरंग कुछ लोगों को समझ आ गया लॉजिक, वेरी गुड। संदेश तो क्या समझ आया आपको कि सारे चार्जेस फिफ्थ चार्ज को रिपेल कर रहे हैं, दिख रहा है ना, रिपेल कर रहे हैं सेम पोलैरिटी होने के कारण, और सभी चार्जेस का उस पांचवे चार्जेस से सेम डिस्टेंस है। ये देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, जिसको हम हाफ ऑफ द डायगोनल बोलते हैं, हाफ ऑफ द डायगोनल। कैन यू टेल मी हाफ ऑफ द डायगोनल की वैल्यू क्या होती है? डायगोनल अगर रूट टू टाइम्स एल है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू। फिर ये नीचे वाले टू को रूट टू इंटू रूट टू लिखेंगे तो एक रूट टू कैंसल हो जाएगा और हमारा जो डिस्टेंस है वो एल बाय रूट टू आएगा। तो ये याद रखना कि हाफ ऑफ द डायगोनल कितना होता है, साइड डिवाइडेड बाय रूट टू, और पूरा डायगोनल होता है साइड मल्टीप्लाइड विथ रूट टू। यस और नो? नीचे वाला हाफ ऑफ द डायगोनल है। तो यू कैन सी पांचवे चार्ज का सभी अदर चार्जेस से कितना डिस्टेंस है, एल बाय रूट टू, यस और नो? और मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम है चारों चार्जेस का। तो यू कैन इमेजिन कि पहला वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला चार्ज इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तीसरा वाला इधर, चौथा वाला इधर, और सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और सभी का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 1 2 3 4 नाम दिया तो 1 का फोर्स 3 को कैंसल आउट कर रहा है, यू कैन चेक, और 2 का फोर्स 4 को कैंसल आउट कर रहा है। सो व्हाट विल बी द समेशन ऑफ फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स एट पॉइंट सेंटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। आया समझ में? एट सेंटर, सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, 0 आना चाहिए। समझ आया ना रीजन? रीजन यही है कि चारों चार्जेस का डिस्टेंस भी सेम है और चारों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यस और नो? किसी को कोई शंका मन में, रिप्लाई कर दो, समझ गया होगा तो भैया।
वेरी गुड. थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें, थोड़ा सा और चेंज करते हैं. अगर इस सेकेंड और फोर्थ को मैं निगेटिव साइन लगा दू, सेकेंड और फोर्थ को इफ आई पुट निगेटिव साइन, क्या कोई इफेक्ट होगा? I'll repeat the question. What I have done, I have changed the polarity of second and fourth charge. Second or fourth charge की मैंने polarity change कर दी है. क्या value पे कोई effect होगा? बहुत सही जवाब दे रहे हो, कोई effect नहीं होगा. Effect यही होगा बस कि इनकी direction interchange हो जाएगी. Interchange. तो इंटरचेंज का मीनिंग समझते हो ना, जहां पहले ये ऐसे अपोज कर रहे थे अवे, अब ऐसे टूवर्ड्स वाला अपोज करेंगे, लेकिन अपोज तो वही कर रहे हैं ना. आई बात समझ में? तो यू कैन इमेजिन जहां पहले ये F4 ये F3 था, अब उल्टा हो जाएगा. निगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगा तो ये F3 F4 हो जाएगा, लेकिन अपोजिट अभी भी है, कैंसल अभी भी करेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट. हैव यू गॉट दिस लॉजिक? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है. सो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी स्क्वायर. स्क्वायर पे बना आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हो. स्क्वायर के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों हमें, वो आते हैं ट्रायंगल पे. फिर से सवाल वही, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर. अब आपको ये तो समझ आ गया है कि सवाल में अगर ऐसा लिखा है एनी ऑफ द चार्ज, समझ जाना सब पे एक समान फोर्स लगेगा. तो हमें ट्रायंगल दिया है, और कौन सा ट्रायंगल दिया है? मान लो आपको 60 डिग्री के ट्रायंगल दे दिया है मैंने. कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको? और ये चार्ज दिया क्यू क्यू क्यू, ये L, ये L, ये भी L. Can you solve this? Equilateral. Equilateral triangle आपको दिया है. Solve this. Find net force on any of the charge. नामांकरण चाहे तो दे दो ऐसे, वन, ऊपर वाले को टू और नीचे वाले को थ्री. थर्ड वाले पे ट्राई करो क्योंकि मेरे पास उधर जगह ज्यादा है. बोलो बोलो बोलो. सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक. क्या लॉजिक सेम? थर्ड चार्ज पे हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? टू फोर्सेस आर एक्टिंग, एक सेकेंड वाला और एक फर्स्ट वाला. ठीक, क्योंकि पोलैरिटी सेम है तो हमें पता है दोनों अपोज कर रहे होंगे, दोनों अपोज कर रहे होंगे. तो सेकेंड वाला चार्ज थर्ड वाले चार्ज को किधर अपोज करेगा? अपोज कैसे होता है? बाहर की ओर. ये इसको ऐसे देखिएगा ना, ऐसे किधर जाएगा, जिसको हम नॉर्थ सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली वो 45 पे नहीं आएगी इस बार. आई कैन से ये हमारा F2 है. F2 बोले तो फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज, बराबर. हैव यू गॉट द डायरेक्शन? बहुत अच्छी. वैसे ही थर्ड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है ऐसे बाहर की ओर. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है पाथ. बाहर की ओर मतलब अलोंग एक्स डायरेक्शन आएगी, जिसका नाम हम F1 दे सकते हैं. F1. मेरा सवाल फिर से वही है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है? ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस L था, चार्जेस का वैल्यू Q Q है, इन दोनों का डिस्टेंस भी L है और चार्जेस का वैल्यू भी Q कॉमा Q है. तो यस वी कैन से दैट ये भी वैल्यू F होगी और ये भी वैल्यू F होगी. और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रही है कि ये ऑपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा. बोलो हाँ या ना? यह ऑपोजिट एंगल भी 60 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना? और अगर आपको याद होगा तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको
वेक्टर वाली, कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है प्यारे बच्चों रूट थ्री टाइम्स एफ। कितना आता है भाई? रूट थ्री टाइम्स एफ। यस सर नो? ये दिख रहा है रिजल्ट। अरे आया क्या समझ में? सो व्हाट इज माय एफ नेट? एफ नेट का वैल्यू रहेगा रूट थ्री टाइम्स एफ। शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहेगी तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस 60, उससे यहीं पे पहुंचोगी। रूट थ्री एफ मतलब इन दोनों के या इन दोनों के बीच का फोर्स। तो के क्यू वन क्यू टू सेम है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टच के डिस्टेंस टच। सो दिस विल बी माय नेट फोर्स व्हेन चार्जेस आर प्लेस एट द vertex of triangle, triangle के vertex पे रखोगे तो force आएगा root 3 times kq square by l square। बोलो भाई समझ आया क्या? बोलो भैया समझ आया क्या? reply कर दो। और अगर तुम्हें सच में समझ आया है तो तुम यह प्रश्न सॉल्व करके दिखाओ। इस बार मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं लेता हूं, इस बार मैं लेता हूं ये वाला राइट एंगल वाला ट्रायंगल का नाम क्या बोलते हैं? राइट एंगल वाला जो ट्रायंगल होता है, बोलो 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 विच ट्रायंगल इट इज जहां 90 डिग्री बन रहा है। तो ये फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा मान लो सेकेंड चार्ज है और ये मेरा थर्ड चार्ज। इसके दो साइड का डिस्टेंस मैंने एल एल दे दिया और सवाल लिखा है फाइंड नेट फोर्स ऑन ऑन थर्ड चार्ज। ऐसा सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, ऐसे शेप पे क्वेश्चन पोटेंशियल पे ज्यादा आता है। जब हम पढ़ेंगे ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको ऐसा हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, ठीक है? मैग्नीट्यूड सभी का सेम। मुझे बताओ थर्ड चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? पहला सवाल तो ये है मेरा कि थर्ड चार्ज पर जो दो फोर्सेस लग रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज, क्या उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? राहुल फिर से चेक करो बेटा, ओम ने सही जवाब दिया है। क्या उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं। तो गड़बड़ी में कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार दो फोर्सेस लगेगी, दोनों का कुछ एंगल होगा और हम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसी गलती मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। देखो ना, जो पहला वाला चार्ज फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, वो अलोंग दिस डायरेक्शन जाएगी, उसका वैल्यू रहेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस, पहले और थर्ड चार्ज का डिस्टेंस, जो कि आपको पता है पाइथागोरस से रूट टू टाइम्स एल आएगा, बराबर रूट टू टाइम्स एल उसका होल स्क्वायर। दूसरा वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसका डिस्टेंस कम है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर है। तो जो आपको दो वेक्टर बनेंगे वहां पे शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। ये वाला यहाँ शॉर्टकट अप्लाई क्यों हो रहा था भाई? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था, सेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे टाइप के शेप पर आपको फोर्स का सवाल नहीं आएगा, पोटेंशियल का आएगा। आपको ज्योमेट्री समझ आ गई अभी इसकी? जब हम पोटेंशियल सॉल्व करेंगे दैट विल बी इजी फॉर यू। और अगर इसको आपको बोलेंगे कि सर नहीं मुझे इसको सॉल्व करना ही है, तो आपको उसको लेंथी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। वेक्टर वाली दो वेक्टर ड्रॉ करो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग लिखो और रिजल्टेंट निकालो अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू
और शायद ज्योमेट्री से सॉल्व करोगे तो उनके बीच का एंगल 45 आएगा, 45, 45, 90, ठीक है, और cos 45 रूट टू फिर वो कैंसल होगा, इट विल वेरी कॉम्प्लेक्स, एक दो मिनट में सॉल्व नहीं होता है वो, ठीक है, ठीक है। ये रूट थ्री एफ कैसे आया समझ आना, ठीक है, चाहे तो मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि दो वेक्टर, कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी रहो, फोर्थ रहो, अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो प्यारे बच्चों उनका रिजल्टेंट क्या आता है, रूट टू एफ, बट कंडीशन यही है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगेन बोलो, अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे होते हैं, जैसे अभी यहां था एफ कॉमा एफ, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना आता है प्यारे बच्चों, रूट थ्री एफ, ये मैंने आपको दो तीन बार समझा दिया है। और अगर कोई 120 डिग्री पे होते हैं, 120, तो इनका रिजल्टेंट आता है ओनली एफ, ओनली एफ, क्लियर। तो ये तीन ही एंगल ज्यादा पूछे जाएंगे, इनके अलावा फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, सो नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इन अ वन मिनट। आप जस्ट ये तीन वैल्यू भी याद रखें तो मोर देन इनफ है। यहां तक लेक्चर समझ आया तो रिप्लाई कर दो फटाफट।